अर्चना जी, आज हमारे शो पे जो मेहमान आ रहे हैं, इनका हमें बहुत लंबे समय से इंतजार था। ये वो हैं जो फिल्मों में हीरोगिरी भी करते हैं, भाईगिरी भी करते हैं, गांधीगिरी भी करते हैं। इनकी जादू की जप्पी का हर कोई दीवाना है, बोले तो आप समझ ही गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूं। ये करोड़ों दिलों पे राज करते हैं, लेकिन जो इनके दिल पे राज करती हैं, वो भी इनके साथ पधार रही हैं। सो प्लीज वेलकम वेरी हैंडसम स्टार आइकॉन, द वन एंड ओनली सुपरस्टार संजय दत्त। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दिल खुश हो गया। भाजी, वैसे मुझे शेर वेर बोलने नहीं आते, लेकिन आपके लिए मैंने एक शेर रटा है। हाँ, बोलिए। पता नहीं किसका है, लेकिन बड़ा मजेदार है। कि दुआओं में अपनी असर आ गया है, दुआओं में अपनी असर आ गया है, जिसको चाहते थे वो आज घर आ गया है। मैम, थैंक यू सो मच, आप इनको लेके आई, हमारी तो पकड़ में नहीं आ रहे थे। भाजी, बड़ी देर लगा दी आपने वैसे आने में। भैया, वो अपने तारे नहीं मिले थे एक्चुअली। हाँ, जब आपका शो था तो मैं अंदर था। हाँ, जब मैं बाहर आया तो शो बंद हो गया। अभी क्या? लेकिन पाजी, अब दोनों का ठीक चल रहा है। बहुत अच्छा। टचवुड, ये भी पत्थर है यार, ये वोड है। सब सब मामला सेट है, ठीक है। संजू पाजी की फिल्म आ रही है प्रस्थानम, लेकिन हमारे लिए ये आपका आगमन है। सो जोरदार तालियां। थैंक यू। आइए सर, प्लीज प्लीज आइए मैम। तो प्रस्थानम जो फिल्म है, ये संजय सर की होम प्रोडक्शन है और मान्यता मैम इसकी प्रोड्यूसर हैं। तो पाजी, हम क्या समझे, पैसों का सारा डिपार्टमेंट अब मैडम के हाथ में है? पूरा पैसा इनके ही हाथ में, मेरे हाथ में ये फटी हुई जीन्स है यार। अच्छा मैम, जैसे रहता है कि हर आदमी जो होता है अपनी सैलरी ला के अपनी बीवी के हाथ में रखता है, तो आप इसकी प्रोड्यूसर हैं, आपने इनको पेमेंट दी कि आपने ये सोच के रख ली कि आना तो मेरे पास ही है, तो पहले गोल कर लो? थोड़ी सी दी, थोड़ी सी नहीं दी। डेट्स लेने के लिए थोड़ा सा एक चेक दिया, फिर बाकी का रोक लिया। अच्छी बात। तो पाजी, अब तो पता चल ही चुका है कि तिजोरी की चाबी मैडम के हाथ में है, तो जब वैसे दूसरी फिल्मों से आप कमाते हैं तो पूरे का पूरा इनको लाके देते हैं, वहां से वापस लेते हैं कि अपनी पॉकेट मनी काट के इनको देते हैं आप? थोड़ा चोरी करनी पड़ती है यार। आई अंडरस्टैंड पाजी। जैसे अगर 100 रुपए में पिक्चर साइन किए तो इनको बोलने का 50 रुपए में किए, 50 अंदर। अच्छा, फिल्म में संजय सर बोलते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल शेर की सवारी की तरह है, आप उतरोगे तो जान का खतरा रहता है। पाजी, द ग्रेट सुनील दत्त साहब, उन्होंने भी शेर की सवारी की, आपकी सिस्टर प्रिया जी वो भी शेर की सवारी करती हैं, आपको शेर की सवारी से डर लगता है? मुझे गधे पसंद है यार। पाजी, आपने देखा पीछे काले कुर्ते में, देखो आप कितने आपके फैंस, सारे आपके फैंस हैं। लेकिन ये तो कहां से आए आप लोग? बोरीवली से। सबके सब बोरीवली से आए? ये काले कुर्ते फ्री में बट रहे थे? आपने खुद सिलवाए आज संजू सर के लिए, तो ये बने बनाए थे पहले से कि आपने स्पेशली बनवाए आज प्रमोशन के लिए? जब से वास्तव निकली है हर टाइम अलग अलग कलर के बनते ही रहते। अच्छा, वाह। तो जो चीज इजी बन जाती है कुर्ते बनवा लिए, तो बॉडी क्यों नहीं बनाई वैसी? सर चालू है, चालू है, कोशिश चालू है। चालू है, तू भी बड़ा चालू है धीरे धीरे। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो बॉडी बनाने का ट्रेंड था वो संजू सर से शुरू हुआ। पाजी, आपने किसको देख के आप इंस्पायर हुए थे कि मुझे बॉडी बनानी है? एक्चुअली वो जब मैं ड्रग रिहैब से वापस आया तो मैंने बॉडी बनानी शुरू की। उस टाइम प्रोड्यूसर समझते नहीं थे, कहाँ जाना है भाई 6 बजे? हाँ। जिम है? जिम? हाँ। ये क्या होता है? हाँ। बोलते थे धर्म जी ने कभी जिम किया है, अमित जी ने किया है? नहीं। लेकिन मैंने बॉडी बना के फिर वो चेंज हो गया मामला पूरा। बिल्कुल, और वाकई उसके बाद फिर हर कोई पहले बॉडी बनाता है फिर फिल्मों में ट्राई करता है। क्या बात है पाजी, अच्छी लत लगा दी आपने लोगों को बॉडी बनाने की, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है, आपके डॉले के बराबर इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही बंदा है जो इनके जैसे डॉले हैं, और वो बंदा आजकल लेडीज बन के हंस रहा है। नहीं अब मैं अच्छा, लंबे बाल रखने का ट्रेंड
संजू सर से शुरू हुआ था फिल्म थानेदार देख लो या साजन देख लो सड़क देख लो बहुत सारी फिल्मों में ये लुक देखने को मिला पाजी आपने सोच समझ के रखा था कि वैसे कटाना भूल गए थे नहीं सोच समझ के रखा था और उस पे भी प्रॉब्लम था प्रोड्यूसर को अच्छा वो बोलते थे लड़की की तरह ऐसे लंबे बाल लेके यार हीरोइन का रोल थोड़ी है तो नहीं बढ़ाऊंगा और लक था मेरा के लड़कों को पसंद आ गया बहुत पसंद आया आपने कभी शायद नोटिस भी किया हो मतलब मैं पंजाब में रहा हूँ पला बड़ा हूँ जितने भी हेयर सैलून रहते थे ना तो वहाँ पे संजू सर की फोटो लगी रहती थी ऐसे तो आदमी यहीं देख के घुस जाता शायद यहीं से कटवाते होंगे तो इतना लोग ट्रेंड फॉलो करते थे पाजी बोर्डिंग स्कूल में सुना है आप लव लेटर लिखना शुरू कर दिया था बोर्डिंग स्कूल में ही आपने हाँ जी तो आपको टीचर पसंद आ गई थी या कोई स्टूडेंट मैंने सवाल गलत जगह तो नहीं पूछ लिया ओके चेंज करते हैं चेंज बेटर है सर नहीं तो घर पे जाके नहीं अब क्योंकि मान्यता मैम साथ है तो इनसे तो पूछना बनता है मैम ये जो आप पहली बार जब मिले तो इन्होंने आपको प्रपोज किया था कि आपने इनको किया था इन्होंने प्रपोज किया था और आप पहली बार में आपको पसंद आ गए पसंद तो है ही सबको ही नहीं एक्चुअल पहले दोस्ती थी तीन चार साल ना चार साल दोस्ती थी फिर तीन चार साल का रिलेशनशिप देन 11 12 इयर्स ऑफ मैरिज काफी मैम जैसे संजू सर की फैन फॉलोइंग है जैसे शूट कर रहे हैं सेट पे बहुत सारे लोग मिलने आते हैं तो ऐसा कभी हुआ कि अपनी किसी फैन को जादू की जप्पी दे रहे हो और आपने देख लिया और गुस्से में थप्पी दे दी हो कभी ऐसा हुआ नहीं मेरी वाली तो ऐसे ये बनाती है कुछ पूरा पैनक्रियाज हिला देती है और मैं मस्ती मजाक करता रहता हूँ भाजी वाइफ को लगता है पता नहीं मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ हालांकि मैं ऐसा हूँ नहीं ना ना बिल्कुल नहीं मैंने ना अभी मान्यता मैम का एक वीडियो देखा जिसमें ये अपनी बेटी को स्वेटर बुनना सिखा रही है मैम बड़ा क्यूट था वीडियो आपने इनको कभी सिखाया घर का काम कोई संजू सर को नहीं खाना बनाते हैं पहले करवा चौथ पे खाना बनाते थे घर पे उस दिन तो आपने खाना नहीं होता फिर हाँ तो रात में डिनर के लिए अच्छा तो मैं दिन भर मेरा फास्ट होता था ये दिन भर कुकिंग करते थे क्या बात है पाजी ये रूप आपका पता ही नहीं हमें क्या बनाते हो सर आप अपना बावर्ची को बोलता हूँ थोड़ा वो बना दे अच्छा दाल चावल उबाल लेता हूँ अच्छा जी और दाल डाल देता हूँ मिक्स कर लेता हूँ थोड़ी दही डाल देता हूँ बोलता मैंने बनाया सर आपके चाहने वालों के कुछ सवाल हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है कि आप दोनों में ज्यादा रोमांटिक कौन है आई थिंक मैं हूँ यार वो होना ही पड़ता है बिल्कुल ठीक कहा भाई होना ही पड़ता है एक्चुअली कोई ऑप्शन नहीं है अच्छा दोनों में जल्दी गुस्सा किसे आता है मुझे इनको आपको ज्यादा गुस्सा आता है ओके सभी की वाइफ को आता है अरे दोनों में पहले सॉरी कौन बोलता है मैं बोलता हूँ भाई वो बोलना तो दर्शकों जैसा कि आपने देखा आप बहुत सारे स्टाइल्स जो हैं संजय दत्त साहब को देख के फॉलो करते हैं अगर आप ये चीज भी जिंदगी में फॉलो करें तो सुखी रहोगे मैम संजू सर की कोई एक आदत जो आपको अच्छी नहीं लगती बहुत सारी हैं मतलब एक चुनना मुश्किल है कोई एक टॉप बेस्ट बहुत लंबी लिस्ट है लंबी लिस्ट एक तो बोल दीजिए कुछ हाँ उनको भी तो पता चले मेरी कौन सी आदत है He calls me 50 times a day. Wherever I am, whatever I'm doing, he'll call my one number, second number, ADPA, landline, everywhere. If he has to reach me, he will reach me no matter where I am. अभी 25 कर देता हूँ चलो 50 से. क्या बात है यार ये चीजें भी ध्यान से सुनिए आप. और एक मान्यता मैम की आदत जो आपको बहुत अच्छी लगती है. सब कुछ अच्छा लगता है. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.